अच्छा तो सबसे पहले सादिक शाह हमारे पास आए हैं जो बताएंगे कि उन्होंने क्या बताया। क्लैपिंग हो जाए शाह। तो मैं आज जो यहाँ प्रेजेंट कर रहा हूँ तो मेरे दो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि एक इनिशियल लेवल का है और अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ वहां पर। तो जब मैं स्टार्ट में आया था तो मुझे HTML CSS थोड़ी बहुत आती थी, ठीक है। जब मैं यहाँ से सीखने स्टार्ट किया मैंने तो मेरा ऐसा बूस्टअप हो गया कि यार अब मुझे क्रिएटिव करना है, कुछ ना कुछ करना है। तो जैसे ही मैंने क्रिएटिव करना स्टार्ट किया तो मैंने एक NFT बनाई। तो जरा आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं मेरा लैंडिंग पेज है NFT का। तो ये मैंने लैंडिंग पेज बनाया था, सर को भी काफी अच्छा लगा। इवन मैंने जिस जिसको दिखाया तो वो मुझे कह रहे कि यार इट्स ग्रेट, इट्स नाइस, क्या आप हमें सेल आउट करोगे। तो मैंने कहा इट्स माय प्रोजेक्ट, अगर आप बोले तो मैं आपको फ्री में दे देता हूँ, वैसे ही ले लो, ठीक है। तो मतलब वहां से मेरा क्रिएटिव माइंड स्टार्ट हुआ कि मैंने कहा कि यार मुझे UI UX मजा आ रहा है। तो जब मैंने कहा कि यार UI UX नॉट इनफ, ठीक है, तो मुझे फंक्शनैलिटी की तरफ भी आना है। तो जब मैंने कार्ड्स को डिस्प्ले करवाया NFT में तो मैंने देखा कि यार मुझे रैंडमली कॉल MD करना पड़ रहा है। तो देन सर ने हमें आगे पढ़ाया API, ठीक है। तो मैं जब API को देखा तो मुझे और अच्छा लगा कि यार हमें क्या करना पड़ रहा है, सिर्फ एक ग्रुप आइटरेट करना पड़ रहा है और जितना भी डायनेमिकली डेटा है वो डायरेक्ट पुट करा रहा है। तो उसको यूज करते हुए मैंने न्यूज ऐप बनाई। ये मेरा यूजर इंटरफेस है, ठीक है। अगर मैं इसको अपने NFT को शॉर्टली बताता चलूं तो मेरे NFT के अंदर फीचर्स क्या क्या थे। सबसे पहले यूजर एक्सपीरियंस था, ठीक है, यूजर एक्सपीरियंस प्लस यूजर इंटरफेस। अगर आपका यूजर इंटरफेस अच्छा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने बहुत बड़ी एप्लीकेशन बनाई Firebase की, या मैंने बैकएंड लगाया, रिएक्ट लगाई, अगर आपका यूजर ही अच्छा नहीं है, मतलब यूजर इंटरफेस ही अच्छा नहीं है, यूजर आएगा अरे यार ये तो हॉस्पिटल वाली वेबसाइट लग रही है, उसने फंक्शनैलिटी चेक ही नहीं कर ली, उसने डायरेक्ट मूव ऑन हो जाना है, तो इससे क्या होता है रैंकिंग भी अच्छी नहीं आती आपकी, ठीक है। अब अगर आप न्यूज ऐप देखें मेरी, तो न्यूज ऐप के अंदर क्या हो रहा है, मैंने 3 APIs यूज की है। फर्स्ट API न्यूज की, सेकंड API वेदर, और थर्ड API मैंने स्पोर्ट की यूज की है। अब इससे क्या हो रहा है कि न्यूज डायनेमिक आ रही है, वेदर भी डायनेमिक आ रहा है, और आपके पास स्पोर्ट की जितनी भी न्यूज है वो भी डायनेमिकली आ रही है। तो मेरे जो उसके अंदर फीचर आप देख सकते हैं कि मेरा जो पहला फीचर है न्यूज़ ऐप का वो है API इंटीग्रेशन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, सबने देख लिया कि भाई रिस्पांस होता है, ठीक है, डेटा आ रहा होता है। अब जो मैंने APIs यूज किए वो ये यूज किए हैं, वेदर के लिए ये यूज किए है, क्रिकेट मैच और न्यूज के लिए। तो इस तरह क्या हो रहा है कि मेरी जब जैसे ही कोई वेदर API मेरी न्यूज एप्लीकेशन रेंडर होगी तो फौरन आपसे वो लोकेशन मांगेगा कि भाई आप कहां रह रहे हो, देन आप लोकेशन को अलाउ करेंगे, देन टॉप पर आपकी लोकेशन आ जाएगी वेदर की। इससे बेनिफिट क्या होगा कि भाई यूजर न्यूज ऐप देख रहे हैं, अब यूजर को ये नहीं पता कि यार मैं वेदर के लिए न्यूज क्यों सर्च करूं, मैं जिस लोकेशन पे खड़ा हूं वेदर तो मुझे ऊपर ही दिख रहा है। तो इससे क्या होगा, वो दूसरी एप्लीकेशन दूसरे टैब पर नहीं जाएगा, उसी पे ही न्यूज भी देख लेगा, वेदर भी देख लेगा। और उसके साथ साथ अगर वो चाहता है कि यार न्यूज के साथ मुझे पता भी चलेगा मैच किसका हो रहा है, तो देन मैंने नीचे स्पोर्ट API भी रेंडर करवाई हुई है। तो उस तरह क्या हो रहा है, यूजर स्पोर्ट्स भी देख पा रहा है, एग्जैक्टली। और लास्ट फीचर मेरी न्यूज API में ये, न्यूज ऐप में ये है कि भाई आप सर्चिंग करवा सकते हैं बैंक, ये देखें, ये मैंने जितनी भी सिटीज थी जो आ रही थी किसके अंदर थे, पैकेट से आ रही जितनी भी सिटीज थी उनको मैंने लूप के जरिए नेविगेशन में दिखा दिया। अब क्या करेगा यूजर, यहां पर सर्च करेगा टू लेटर्स के साथ, अगर वो D लिखता है तो आई करें, तो इस तरह अगर मैंने H लिखा हंगरी
तो हंगरी की जितनी न्यूज थी मैं आप पूछूंगा कि भाई आपको कितनी न्यूज प्रेजेंट करवानी है, तो वो एक लेगा कैटेगरी के भाई हंगरी की चाहिए और कितनी चाहिए, तो वो वहां पर उसी के नीचे ही क्या होगी पोस्ट हो जाएगी। आई करें ये वेदर दिखेगा आपको इस तरह कि जैसे ये लोकेशन अलाउ होगी तो ये वेदर दिख जाएगा, रियल टाइम चल रहा होगा, ये भी एपीआई से आ रहा है, ये भी रियल टाइम चल रहा होगा, और टॉप पर आपके पास डेट आ रही होगी। ठीक है, अब इसके अंदर इंप्रूव क्या करना है, मुझे सबसे पहले मुझे सर्चिंग को और इंप्रूव करवाना है। अगर आप न्यूज एपीआई में देखते जो कि फ्री वर्जन है हमारे पास, उसके अंदर बाय टाइटल आ रहा होता है सर्चिंग, बाय डिस्क्रिप्शन आ रहा होता है, बाय कैटेगरी आ रहा होता है। ठीक है, तो मैंने अभी सिर्फ सर्च बाय कंट्री करवाया, कैटेगरी जस्ट ऐसे ही डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है, तो मुझे इंप्रूव करनी है सर्चिंग को। ठीक है, मुझे एपीआई और यूज करनी है क्योंकि मेरा इंटरेस्ट और बढ़ रहा है एपीआई के अंदर, यार एपीआई और एक्सप्लोर करना है, और प्लस मुझे साइन इन ऑथेंटिकेशन वगैरह हमने पढ़ लिए, बट एज सच मेरे पास ये रेडी था प्रोजेक्ट। ठीक है, तो मैंने कहा कि कनेक्ट टू डेटाबेस आगे जाके करूंगा कि भाई कोई भी यूजर आता है लॉग इन करता है। ठीक है, सॉरी, कोई भी यूजर आता है लॉग इन करता है कि भाई मैं लॉग इन करूं, देन मैं न्यूज रीड करूं। जैसे ही वो रीड करेगा उसकी हिस्ट्री में चली जाएगी। अब सेकंड टाइम वो लॉग इन करेगा तो वो कहेगा कि यार ये न्यूज मैंने रीड कर ली थी, देन आगे जाके मैं उसको एक कहने के पिन भी दे दूंगा कि भाई यहां तक रीड की थी, देन वो वहीं से कंटिन्यू कर सकता है। तो मेरे आगे जो फ्यूचर्स गोल होंगे वो इसको इस तरह लेकर चलूंगा। थैंक यू वेरी मच। सॉरी, बाय द वे जब मैं यहाँ पर सिलानी आया था तो इससे पहले मैं जॉब कर रहा था, मैं वर्डप्रेस की जॉब कर रहा था, मैं तंग आ गया था यार, मुझे वर्डप्रेस नहीं करनी, मैं पक गया था कि यार वर्डप्रेस क्या है, बस ड्रैग एंड ड्रॉप, मैं कस्टम टेम्पलेट बनाता हूँ, बट मुझे मजा नहीं आया। तो मैंने क्या किया, सिलानी ज्वाइन किया। ठीक है, तो सिलानी ज्वाइन किया तो मुझे HTML, CSS, JavaScript में और इंटरेस्ट बढ़ गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले मंथ ही मेरी एक रिमोट जॉब लगी है रोलिंग चेरी सॉफ्टवेयर हाउस में, तो मैं वो जॉब भी कर रहा हूँ और प्लस रोलिंग चेरी में भी जॉब कर रहा हूँ। तो सर थैंक यू।